दुनिया के सामने फिर पिटा पाकिस्तान। मालदीव की संसद में पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत ने तुरंत पाकिस्तान को रोका। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, कहा जुल्म सतम के शिकार कश्मीरियों की हालत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने पाकिस्तानी स्पीकर की बोलती बंद की, कहा भारत को मानवाधिकार न सिखाए पाकिस्तान। Excellency, we strongly object to the raging of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization by raging issues which are extraneous to the theme of this summit. हरिवंश नारायण की पाकिस्तान को खरी खरी, पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर भी घेरा। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को आज काउंसलर एक्सेस देने की पहल की, लेकिन मुलाकात के वक्त अपने एक अधिकारी की मौजूदगी की शर्त। भारत को यह शर्त मंजूर नहीं, कुलभूषण जाधव से बिना किसी निगरानी की मुलाकात की मांग। कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी, 105 में से 82 थाना क्षेत्रों में दी जा चुकी है ढील। कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हिरासत में लिए गए थे छात्र, परिवार वाले उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल दिनभर सरहद पार से फायरिंग, एक जवान शहीद। केरल के लिए राज्यपाल पद के ऐलान के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने कहा राम के बिना भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं। राम के नाम के बिना हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान राम पर उर्दू में लिखी किताब इमाम हिंद का विमोचन कर रहे थे आरिफ मोहम्मद खान, कहा देश में एकता के सूत्रधार हैं राम। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त प्रार्थना, मंदिर मुद्दे को लेकर दिखाई एकजुटता। अयोध्या मुद्दे पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी, आज मुस्लिम पक्षकार रखेंगे अपनी दलील। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर साधा निशाना, बोले गलत नीतियों की वजह से बिगड़े हालात। मनमोहन सिंह ने कहा देश आर्थिक मंदी की ओर, 5% पर GDP का आना इस बात का सबूत। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी और हड़बड़ी में GST लागू करने को बताया आर्थिक बदहाली की जिम्मेदार। पूर्व प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 0.6% पर लड़खड़ाने पर जताई चिंता, कहा यह परेशानी वाली बात। मनमोहन सिंह ने दी मोदी सरकार को सलाह, कहा राजनीतिक बदले का एजेंडा छोड़े और अर्थव्यवस्था को संभालें। मनमोहन के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधी चुप्पी, जवाब देने से इनकार किया। GDP के बाद मोदी सरकार को GST में भी झटका, कलेक्शन 1,00,000 करोड़ से नीचे लुढ़का। बीजेपी ने मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, बोले आर्थिक बदहाली के लिए उन्हीं की सरकार है जिम्मेदार। प्रियंका गांधी का ट्वीट, सरकार ये माने या नहीं कि अर्थव्यवस्था के दौर मंदी के दौर से गुजर रही है। प्रियंका गांधी का सवाल, राजनीति करने की बजाय जवाब दें कि इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। सोलापुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा का समापन, बारिश के बाद भी बड़ी तादाद में उमड़े लोग। सोलापुर में अमित शाह की हुंकार, फडणवीस के 5 साल के शासन में विकासशील राज्यों में फिर नंबर 1 बना महाराष्ट्र। NCP कांग्रेस को फिर नया झटका, कोल्हापुर के पूर्व सांसद धनंजय महादिक, उस्मानाबाद के विधायक राणा जगजीत सिंह और कांग्रेस विधायक जय कुमार गोरे BJP में शामिल। रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा, कहा जाति की राजनीति पर भारी पड़ेगा राष्ट्रवाद। चरखी दादरी के झोजू कला में खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा पर नजर आई बबीता फोगाट, महावीर फोगाट भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की घटना जारी, रास्ते में फंसे बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु। लगातार बारिश से बढ़ने लगा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, चमोली में येलो अलर्ट की चेतावनी। बद्रीनाथ रूट पर लामबगड़ में लगातार गिर रहे हैं पत्थर, दिखने लगी है बड़ी बड़ी दरारें। पैदल यात्रियों के लिए भी मुसीबत, पत्थरों के गिरने के खतरों के बीच पार कर रहे हैं रास्ते। रुद्रप्रयाग में सड़क पर आ गया फ्लैश फ्लड, बीच में ही फंस गई गाड़ी। INX मीडिया घोटाले में आज चिदम्बरम की फिर CBI कोर्ट के सामने पेशी, 21 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार। आज सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई, CBI रिमांड में लिए जाने को चुनौती। GK शिवकुमार से आज तीसरे दिन ED की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल। DK शिवकुमार के बेंगलुरु, कनकपुरा और दिल्ली के घरों में हुई थी छापामारी, 8,07,00,000 रुपए मिले थे कैश में। चिन्मयनंद के खिलाफ केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पीड़ित लड़की और उसका परिवार भी है दिल्ली में। पश्चिम बंगाल में TMC और BJP का टकराव बढ़ा, BJP सांसद की कार पर हमले के विरोध में आज हल्ला बोल की तैयारी।
बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने लगाया था आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था उनकी कार पर हमला। हरियाणा के फतेहाबाद में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी, डाली जा रही बिजली की तारें। 30 फीट तक ऊंची की गई बिजली लाइनें, 5 दिसंबर को फतेहाबाद पहुंचेगी मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री, पहले सिद्धिविनायक फिर लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। एक महीने से बंद पड़ा है पूरा रास्ता, लोग रस्सियों के सहारे जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। हिमाचल के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश, शिमला के कई इलाकों में भारी नुकसान। लाहौल स्पीति में काला नाला के पास सड़क बंद, बारिश के बीच मरम्मत करना मुश्किल। हिमाचल के जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर फिर तेज बरसात, गहरी धुंध से ढकी पहाड़ियां। धुंध के बीच गाड़ी चलाने में आ रही है परेशानी, नंदा देवी के दर्शन को जा रहे श्रद्धालु। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद सूखी नदी में आया पानी, फंस गए कई लोग। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद पहुंची उत्तराखंड जल पुलिस, कंधे पर बिठाकर लोगों को नदी पार कराई। प्रयागराज में डीजे मालिकों ने किया कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के घर का घेराव, डीजे बजाने पर रोक का विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने की परमिशन देने पर पूरी तरह लगा दी है रोक, 5 साल की कैद और 1,00,000 जुर्माने का आदेश। बिहार के हाजीपुर में जज के पेशकार को घूस देने के आरोप में इंस्पेक्टर गिरफ्तार, डायरी में रखकर 500 रुपए देने का आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रेन में दिखा नया अंदाज, मुसाफिरों के साथ गा रहे थे भजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का किया ऐलान, 3 मंत्रियों की बनाई कमेटी। कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का ऐलान, उज्जैन के सांसद विधायक और मेयर ने कहा नहीं ली गई उनकी राय। नए मोटर अधिनियम की पहले ही दिन कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उड़ाई धज्जियां, बगैर हेलमेट के घूमे सड़कों पर। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल के साथ निकली थी तिरंगा यात्रा, पुलिस की मौजूदगी में नियमों का उल्लंघन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने वाले दलित छात्र ने पुलिस पर लगाया 3rd degree टॉर्चर का आरोप, कहा थाने में की गई पिटाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने थाने का किया घेराव, SHO समेत 5 पुलिस वालों पर FIR दर्ज। नोएडा के सेक्टर 11 में मोबाइल स्नैचर की पिटाई का लाइव वीडियो, दिन दहाड़े मोबाइल छीनने का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में बच्चा चोरी की अफवाह पर 9 मजदूरों की पिटाई, थोड़ी देर पहले शराब के ठेके पर हुआ था झगड़ा। यूपी के बांदा में जिला अस्पताल परिसर में CMS के लिए विदाई समारोह का आयोजन, डांस और ठुमके लगाने का वीडियो वायरल। गोरखपुर में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर चलाई गोली, दोनों की हालत गंभीर। बिहार पुलिस है दुनिया की सबसे बेहतर पुलिस, DGP गुप्तेश्वर पांडे का दावा। केवल बिहार का जवान है और बिहार का सिपाही हौदार है जो सत्तू फांक करके और चूड़ा गुड़ फांक करके और चना फांक करके। पटना पुलिस पर जेल में कैदी को पीटने का आरोप, इलाज के दौरान कैदी की मौत। परिवार का आरोप, पुलिस हिरासत में रखकर पिटाई, लोगों ने किया सड़क जाम। गाजियाबाद पुलिस ने सिविल इंजीनियर और बेटी को अगवा करने के केस सुलझाया, 7 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में दंगा नियंत्रक मॉक ड्रिल का आयोजन, महिला आरक्षी भी ट्रेनिंग का हिस्सा। यूपी के हाथरस में चलती कार में लगी आग, बच गए कार सवार। लखनऊ में IAS अधिकारी उमेश कुमार सिंह की पत्नी की संदिग्ध मौत, गोली लगने से जख्मी हुई थी। पुलिस के मुताबिक उमेश कुमार अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं, पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा के सांसद सुभाष भेड़िया घर लौटते समय हादसे का शिकार हुए, स्कूटी पर सवार थे। प्रयागराज में छात्र संघ बहाली को लेकर छात्रों का धरना जारी, समर्थन में पहुंची SP नेता जूही सिंह। असम के जोरहाट में वरिष्ठ डॉक्टर देवेंद्र को मरीज के परिवार वालों ने पीटा, डॉक्टर की मौत। डॉक्टर की हत्या के विरोध में डिब्रूगढ़ में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, कड़े कानून की मांग। आजमगढ़ में बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से दिव्यांग को बांधकर पीटा गया, 11 लोगों पर केस दर्ज। चंद्रमा के 5वीं कक्षा में पहुंचा भारत का स्पेस मिशन चंद्रयान 2, 7 सितंबर को होगी चांद पर लैंडिंग। चंद्रयान की लैंडिंग देखने के लिए हरिद्वार के गर्ग सक्सेना को इसरो का निमंत्रण, 8वीं के छात्र हैं गर्ग। बाराबंकी में मुहर्रम का चांद दिखते ही इमाम बरगाहों से या हुसैन की सदाएं बुलंद, रखे गए ताजिए। प्लास्टिक मुक्त भारत के नोएडा के लोगों ने चलाया अपना अभियान, सेक्टर 122 में बांटी गई कपड़े की थैली। महाराष्ट्र के अकोला में टैक्सी ड्राइवर ने बेटी के जन्म पर निकाली शोभा यात्रा, 1 क्विंटल मिठाई बांटी।
आज से मुंबई में गणेश चतुर्थी के त्योहार की धूम, 10 दिन तक मनाया जाता है उत्सव। लालबाग के राजा के पंडाल में सुबह की आरती, दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। लालबाग के राजा का अद्भुत पंडाल, 9 ग्रहों के साथ अंतरिक्ष और चंद्रयान की तस्वीर। सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजा, सुबह सुबह की आरती देखने जुटे भक्त। आज रात भर मुंबई की सड़कों पर रही हलचल, कुछ लोग टैक्सी से तो कुछ लोकल से आए थे दर्शन करने। आज शुरू हो रहे गणेश उत्सव पर चढ़ा राष्ट्रवाद का रंग, कानपुर में तिरंगे वाले गणपति की मांग। गणपति की भक्ति में डूबने लगा बॉलीवुड शिल्पा शेट्टी के घर आए गणपति। एक्टर विवेक ओबरॉय भी करेंगे विघ्नहर्ता की पूजा, घर लेकर आए गणपति की मूर्ति। बेंगलुरु में नारियल से बनाई गई गणेश प्रतिमा, 9000 से ज्यादा नारियल का हुआ इस्तेमाल। बेंगलुरु गणपति के बने भव्य पंडाल, सजावट में शाक सब्जियों का खूबसूरत इस्तेमाल। जमैका टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में, जीत के लिए चाहिए 8 विकेट। वेस्टइंडीज की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बनाए। भारत ने दूसरी पारी में दिया है 468 रनों का लक्ष्य। वेस्टइंडीज की पहली पारी में 117 रन पर सिमटकर टीम इंडिया ने बनाई थी 299 रन की लीड, लेकिन नहीं दिया फॉलो ऑन। स्पिन गेंदबाज आर अश्विन जोड़ेंगे किंग्स 11 पंजाब के साथ, आईपीएल के अगले सीजन में नई टीम के साथ नजर आएंगे अश्विन। यूएस ओपन में रॉजर फेडरर का विजय अभियान जारी, गोफिन को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।